एक जिंदगी गुजारने का तरीका अपना होता है, अपना एक तरीका जावेद का, मेरा अपना एक तरीका जिंदगी गुजारने, जरूरी नहीं कि जो आपका तरीका हो मुझे पसंद है या मेरा तरीका आपको पसंद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ ऐसी चीज है। अभी जो गेम हो रहा है इसमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं, मेरे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये है कि बलोचिस्तान के अंदर ये मैच हो रहा है, क्वेटा के अंदर, तो मेरे लिए खुशी वो है। देखें इसके लिए काफी कोशिश की गई और मैं इस पे नजम सिद्दीकी साहब को शुक्रिया भी अदा करूंगा, मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि हम लोग काफी अरसे से बलोचिस्तान के अंदर हमारी फाउंडेशन काम कर रही है और वहाँ की जो डायनेमिक्स है टोटली दूसरे प्रोविंसेस से टोटली डिफरेंट है। तो नजम सिद्दीकी साहब और फिर वहाँ पे आसिफ गफूर साहब, कोर कमांडर साहब जो है हमारे सीएम बलूचिस्तान, मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अल्लाह करे 5 तारीख वाला मैच इंशाल्लाह बिटवीन पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर अच्छा रहे, और हमारी ये कोशिश है कि जितना उन लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाए वो बेहतर है। और अच्छी बात यह कि बलूचिस्तान से माशाल्लाह से टैलेंट निकलते हुए भी नज़र आ रहा है, जो अंडर 19 में नज़र आया है, जो अरशद खान ने मुझे बताया, जब अरशद खान वहाँ पे हेड कोच था 3 साल, तो काफ़ी मेहनत की है इसने, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा टैलेंट सामने नज़र आ